शूट कर लेंगे उसके बाद निकलेंगे वापस, क्योंकि वापस भी तो इतना दूर जाना है। ऊपर से कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा सा चावल खाया था 1 बजे। मैं नहीं आऊंगा, एक हफ्ता हो गया यहाँ पे। ये क्या चूल्हा बन रहा है, इसी पे फिर खाना वाना बनेगा। खुद इनको कटिंग करते हो? सर हम इस इलाके में खुद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाई नहीं है ना, इसलिए। वो पहाड़ उसके पार, उसके पीछे। अभी हम लोकल बंदे से रास्ता पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल सेठी एक्सप्रेस। आई होप आप सब अच्छे से होगे, बढ़िया होगे। तो करते आप सबको आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम और करते व्लॉग स्टार्ट। तो लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा हमने कहाँ पे अपना नाइट स्टे किया, तो अभी भी हम यहाँ पे है। तो ये फिलहाल पहले सुबह सुबह बाहर का सीन देखो कैसा है। तो अभी मैं अपने मकान के ऊपर छत पे आया हूँ, तो अब बस मतलब निकलने वाले हैं यहाँ से हम। तो जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि लास्ट में हमें ऊपर जाना है, वो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक जाना है। क्या बोल रहे उस जगह का नाम, मैं खुद गया नहीं कभी, तो ऐसे ये बोल रहे जगह का नाम है वाटसर, तो वहीं पे हमें जाना है। तो अभी टाइम आ गया सुबह के 9:30। तो अभी हम नींद से उठे, चाय वाय अपनी होगी, अब बस क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्योंकि खाना साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि मतलब सफ़र भी बहुत है, भूख भी लग जाएगी ना, इसलिए हम पहले यहाँ पे खाना ही बना रहे हैं। ये देखो यहाँ से धुआं निकल रहा है, अंदर खाना बन रहा है, और जो आपने कमल वगैरह वो सब बाहर निकाले, क्योंकि हल्की सी धूप निकली, यहाँ पे इनको रखा है, हमने सोचा ये भी थोड़ा सूख जाएगी, क्योंकि अंदर जो जहाँ पे हम सोए थे वो थोड़ा गीला था, इसकी वजह से ये कमल वगैरह जो है ना थोड़ा गीले हो गए, तो इसलिए हमने ये सुबह के टाइम यहाँ पर धूप में रखा। तो वहाँ पर मैंने आज सुबह के टाइम नहाया, और इतना ठंडा पानी था ना, मतलब मैंने ही बस इतने बंदे हैं ना, बस मैंने नहाया, तो ये जो पानी है ना मतलब बिल्कुल प्योर पानी है और बिल्कुल फ्रेश पानी है, जिसको भी कोई बीमारी होगी ये इलाज है। तो ये आमिर भाई भी अभी छत पे आ गया। आमिर भाई अब जल्दी से जल्दी हमारा खाना तैयार हो जाए तो हम निकले, आप रेडी होना चलने के लिए। हाँ, जो आखिरी ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ हमें पहुँचना है वाटसर। हाँ, फिर मतलब हम कितने घंटे में पहुँच जाएंगे उधर? ये तो यहाँ के लोकल बोल रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। चलो ठीक है, थोड़ा आप भी नज़र मारो कितना दूर है वो आपको पहाड़, जहाँ पे वो बादल, वहाँ पे बर्फ भी है, आज आपको बर्फ भी दिखाएंगे, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे बर्फ भी है। तो बोल रहे हैं 3-4 घंटे का पैदल सफ़र है, पर जो यहाँ के लोकल है खान भाई, जो इन जो ये क्या बोल रहे बांडी इनमें रहते हैं, यहाँ से देखो कोई कोई नज़र आ रहा है, वहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 1 है, तो ये इन लोगों ने हमारे लिए रखा, क्योंकि मतलब जब हम यहाँ पे आए तो हमने इनको बोला हम बाहर नहीं बैठ सकते क्योंकि हम डरते हैं, यहाँ पे जंगली जानवर का भी बहुत खतरा होता है, तो ये इन लोगों ने पे मतलब अपने लिए बनाए होते हैं, कई मैस वगैरह रखते हैं या खुद भी रहते हैं इसमें, तो बोला कोई नहीं आप इसमें रात को स्टे करो, सुबह के टाइम आप फिर यहाँ से निकलो। तो अभी बस निकलने वाले हम यहाँ से, फिलहाल अपना खाना वाना तैयार हो जाए तो फिर निकले। तो बाहर का भी सीन देखो थोड़ा सा कितना हसीन है, ये देखो भाई 4 घंटे का रास्ता है, तो जो यहाँ के लोकल है वो बोल रहे हैं 4 घंटे, तो पर फिर भी उनको आदत होता है चलने का, हमें तो टाइम लग जाएगा आमिर भाई, है कि नहीं, मतलब हम तो धीरे धीरे ही चलेंगे। पर एक बात तो मुझे मतलब आज अच्छी लग रही है, जो पीछे बैग वगैरह सामान है ना वो नहीं लेके जाना है ना, फिर आराम से चढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो होता है ना फिर तो बुरी हालत हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही चलना शाम तक हम मतलब वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो फिर रात को फिर यहीं पे रुकेंगे, फिर कल इंशाल्लाह यहाँ से हम इस रास्ते से, ये जो पहाड़ नजर आ रहा है कम से कम 6 घंटे लगेंगे वहाँ पर, वो बोल रहे थे 4 घंटे, नहीं 6 घंटे, चलो देखेंगे जो भी लग जाएगा, पहुँचना तो वहीं पे है फाइनल। हाँ, उनको आदत होता है ना चलने का, तो चलो मतलब उनको आदत होता है इसलिए उनको काम टाइम लगता है। फाइनल जो डेस्टिनेशन हमारी है, जो हम घर से प्लान करके आए वहीं पे जाना है, वहाँ पे बर्फ़ भी है, आपको भी दिखाएंगे बाहर। अभी अपना खाना वाना तैयार हो गया, बस इसको पैक करके निकलेंगे। तो रात पे हम इसी पे सोए थे, ये देखो इसके ऊपर त्रिपाला डाला था, ये जो इन पेड़ों को होता है इसी के ऊपर सोए थे, क्योंकि अब खाना तैयार हो जाएगा तो बस निकलेंगे। देखिए हमने तहरी बना ली है, ना यहां ट्रैक में सो रही थी यार, और सेठी भाई परोस रहे हैं।
यहाँ पे खा रहे तो आधे बोल रहे हम साथ में लेके जाएंगे वहीं पे खाएंगे, ये भी यहाँ पे खा रहा है, आमिर भाई भी यहाँ पे खा रहा है। देखो हम कितने बंदे, हम कितने बंदे हैं इसमें, कितने बंदों के लिए ये है? छह बंदों के लिए आप इसी में लेके जाओगे। अभी सारे बंदे रेडी हो गए निकलने के लिए, अब बस इसको बंद रखेंगे क्योंकि जो सारा सामान है वो यहीं पे रखा है। हम बस मतलब अब कुछ सामान नहीं लेके जाना है, बस ये खाना थोड़ा सा बचा है ये लेके जाएंगे, बाकी सारे भाई रेडी है, अब बस निकलेंगे। वाजिद भाई उसको अभी बंद कर रहा है क्योंकि उसको थोड़ा बांध ही रखेंगे क्योंकि अंदर बहुत सामान है ना इसलिए। तो ये देखो कंबर बांधा सबने, कंबर बांध के रखना ठीक है क्योंकि बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ना है। बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ना, बस रेन तो थोड़ा सा रखो, कोई नहीं उधर कोई नहीं जाएगा। तो मैं भी रेडी हो गया, मैंने भी मोटा जैकेट साथ में लिया क्योंकि वहाँ बादल बहुत है और ठंड भी हो सकती है। तो चलो निकले अपने सफ़र के लिए, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह 4-5 बजे तक हम वापस आएंगे। तो चले निकले, अभी हम लोकल बंदे से रास्ता पूछ रहे क्योंकि कहीं गलत ना जाए क्योंकि चढ़ाई बहुत है, सीधा रास्ता होना चाहिए। अभी यहाँ ये लोकल है, इनसे मालूम कर रहे जो कन्फर्म रास्ता होगा। पूरा टीम आगे चला गया, मैं पीछे ही रुक गया क्योंकि यार मैंने बहुत थक गया। वो देखो कहाँ पहुँच गए, अभी बस थोड़ा सा जहाँ पे हम रात को रुके थे वहाँ से कम 2 किलोमीटर बस 1.5 किलोमीटर निकाला। तो अभी ना मेरी हालत बुरी हो गई यार, ऊपर से पानी भी साथ में नहीं है, तो मैं रुक रुक के ही चलूँगा पर मुझे लग रहा है मैं नहीं पहुँचूँगा क्योंकि हार्ट बीट इतना तेज़ हो रहा है ना, पूछो मत। थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे उसके बाद निकलते हैं फिर से। कितना दूर है अभी यहाँ से वो पहाड़ उसके पार, उसके पीछे कितना टाइम लगेगा? मेरी तो हालत ही बुरी होगी, नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता हूँ, हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। ये देखो कहाँ से चल के आए, तो चल रहे पूरा टीम आगे आगे चल रहा है, मैं ही बस लास्ट में रह गया। ओ यार बहुत मुश्किल है यार, इसलिए कहता हूँ नकर शिकवा मुकद्दर आजमाता है, नकर शिकवा मुकद्दर आजमाता है, नडर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। हो ओ भाई, ओ यार ओहो, पानी देखो कितना ठंडा है, अगर ये पानी भी नहीं होगा फिर तो मेरा चलना बहुत ही मुश्किल है। तो सारे आगे चले गए, मैं बस पीछे रहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे फिर से क्योंकि जो बाकी टीम है वो आगे चला गया, वो बहुत आगे है। तो ये देखो यहाँ पे भाई इसको कटिंग कर रहा है, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार हुसैन। मुख्तार हुसैन कहाँ रहते हो? अभी रहता हूँ थाना मंडी। थाना मंडी जी सर, उधर तो मैं गया हूँ। आप खुद इनको कटिंग करते हो? सर हम इस इलाके में खुद करते हैं क्योंकि यहाँ पे नाई नहीं है ना, इसलिए कोई नहीं है। इसको भी करनी है? हाँ, इस बच्चे को भी करना है, इसका नहीं करना, उसका नहीं, दो को करनी है। चलो ठीक है, तो देखो सर हो गया, अच्छा नहीं हुआ? हाँ अच्छा हो गया सर, क्या करिए आप, इधर पहाड़ी इलाका है। हाँ पहाड़ी इलाका है, क्या करें। कितने महीने यहाँ रुकते हो? इधर मिलते हैं 3 महीने। 3 महीने के बाद वापस? 3 महीने के बाद। कब आए आप यहाँ पे? 1 महीना हो गया, अभी 2 महीना और रुकना है, फिर तो बर्फ पड़ेगा इसलिए वापस जाते हो? चलो ठीक है, आप वाटर से गए हो? वाटसर गए हो? कितना टाइम लगेगा अभी? 2 घंटे लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। अभी लगेगा 2 घंटे और पंजाली जड़ी है। हाँ फूल वगैरह बहुत बड़ा है। चलो ठीक है, आराम से जाना, शांति से, कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे ना, आराम से शाम तक वापस भी आएंगे ना? आ जाएगा इंशाल्लाह, मतलब अच्छा प्लेस है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सीनरी आपको दिखाई देगा। चलो ठीक है, चल रहे थे कंटिन्यू, तो बाकी टीम आगे चला गया, हम यहाँ पे फिर से रेस्ट कर रहे थे थोड़ा, पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे नेटवर्क आ गया, फ़ोन में सिग्नल आ गई, तो अब घर फ़ोन लगाए क्योंकि मम्मी ने बहुत परेशान थी, सब मानो सारे के सब के घर वाले परेशान थे क्योंकि 2 दिन से कोई रابطہ नहीं हुआ घर वालों से, यहाँ पे नेटवर्क आया बड़ी मुश्किल से, तो अब घर फ़ोन भी किया, मम्मी को बोला ठीक है, सबको बोलना सारे बंदे ठीक है, तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब बस निकलेंगे यहाँ से। सारे भाई अभी यहाँ पे नेटवर्क ढूंढ रहे, हल्के से आ रहे हैं, चलो कॉल तो हो रही है ना, फ़ोन
फोन हो रहा है वो काफी है। तो वो देखो कहाँ से हम चढ़ के आए। तो चलो बस निकले जल्दी से जल्दी, बंदे आगे चले गए ना, जो हमारे बाकी बंदे हैं ना वो पहुंच गए, तो हम भी चल रहे यार। वो देखो मेरे साथ अब दो ही बज गए, तो अब बस पहुंचने वाले, मतलब एक पहाड़ क्रॉस करेंगे हम अभी, मतलब एक पहाड़ क्रॉस करने के लिए अभी बस हमें 10-20 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद जब हम टॉप पे पहुंचेंगे फिर वहाँ से पता चलेगा कितना दूर है, और वहाँ से आगे क्या है ये अभी नहीं बता सकते, वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। रहा हूँ पानी तो इन पत्थरों के नीचे से चल रहा है पर नज़र ही नहीं आ रहा है नीचे, मतलब शोर आ रहा है ना पानी का। मैं थोड़ा सा पानी देखूँगा क्योंकि मैं बहुत खुश हो गया, बात भी नहीं कर सकता हूँ। तो भाई व्यू देखो क्या है, वो देखो कहाँ से चढ़ के आए हम, नज़र ही नहीं आ रहा है हमारा डोका जिसमें हम रात को रुके थे। एक हफ्ता हो गया यहाँ पे, ये क्या चूल्हा बन रहा है, इसी पे फिर खाना वाना बनेगा। तो अभी खाने पीने का सामान कहाँ से लाते हो? हाँ कितना टाइम लगता है आपको शुपियां तक यहाँ से चलने में? चढ़ना है उधर भी तुमको? आपको? हमें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लगेगा। हाँ हम दुबजन से इधर 4 घंटे में आ जाते हैं। दुबजन से यहाँ तक 4 घंटे में आते हो? और जाओ मिट्टी। चलो कितना लगा टाइम? वो हमें तो बहुत टाइम लगा। हाँ नहीं यहाँ नीचे रुके थे, नीचे डोका है ना वहाँ पे रुके थे, सुबह के टाइम वहाँ से निकले, चल ही नहीं सकते, थक जाते हैं बहुत। ये अंदर बैठने के लिए अंदर सोएगा इसमें? हाँ देखो ना। चलो ठीक है, अभी कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से वाट सर? डेढ़ घंटा। चलो ठीक है, भूख भी काफी लगी यार, कुछ खाएंगे तो फिर वापस उल्टी लग जाएगी है ना, चलते है ना, हार्ट बीट तेज हो रहा है। हाँ वहीं पे रुक के खाएंगे अच्छे से। कश्मीरी कोई लड़का जाता है उधर? अभी गए ना 4-5। वो हमारे साथ है, वो एक ही दे रहा है, बस एक दो रखा, मैं नहीं जाऊंगा। कब अभी? एक पहाड़ तो हमने पार कर लिया, ये जो आपको पीछे नजर में आ रहा है। तो अभी जो सारे बंदे है वो हमारा वेट यहीं पे कर रहे हैं आगे खड़े है, क्योंकि जो हमने साथ में चावल लाया था, मुझे ना बहुत भूख लगी और हालत ख़राब हो गई। अब हम पहले यहाँ पे कुछ खाएंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं जो आगे बादल में से आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये भी पार करना पड़ेगा, तब जाके हम पहुँचेंगे। तो भाई बहुत मुश्किल है, अगर मुझे पहले पता होता है इतना मुश्किल होगा तो मैं आता नहीं यार सच में। ये देखिए सेठी भाई कैसे खा रहा है, बहुत थक चुका है सेठी भाई। क्या हुआ सेठी भाई? क्या हुआ? मुझे नहीं आना है, मैं क्यों? बस वापस निकलूंगा। हालत ही बुरी हो गई है। अभी हल्की सी धूप निकली क्योंकि अभी तक ना नीचे बादल था, हम बादल में से चल रहे थे। आप देखो यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बर्फ भी नजर में आ रहा है, वो देखो वहाँ पे बर्फ जमा है, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून जुलाई, अब तो ख़त्म होने वाला है, अब बस पहाड़ियों पे ही थोड़ा थोड़ा बचा है। तो अब बस यही पार करना है हमें, उस ये जो है ना पहाड़ ये पार करना है, उसके उस साइड में होगा क्या बोल रहे हैं उसको, वाटसर, जहाँ पे हमें मतलब घर से ही प्लान बनाया था वहाँ जाने का। तो जो बाकी बंदे हमारे वो चले गए आगे, सब धीरे धीरे ही चल रहे, पर मैं लास्ट में सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ। बोला ये पीछे जाता है, इसको अपने साथ साथ में ले आओ, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं बोल ना जाए।
क्योंकि हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। पता ही नहीं चलेगा कोई उधर इधर से निकलेगा गलत रास्ते से, फिर कहाँ ढूंढेंगे, ना नेटवर्क ना कुछ। तो चलो फिलहाल निकलते यहाँ से फिर से जल्दी, क्योंकि वापस भी उतरना है, अगर ज़्यादा देर हो गया तो फिर मुश्किल है वापस उतरना भी। तो यहाँ से देखो अब थोड़ा सा, चलो वाजिद भाई, अब बस ये फाइनल स्टेज है। यहाँ से आपको बर्फ़ नज़र में आ रहा है, तो काफ़ी शौक था मुझे भी पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ खाएंगे, क्योंकि इसमें मज़ा आता है खाने में। आदिल भाई आप भी खाओ, थोड़ा नीचे नीचे उठा दे। हाँ खाओ खाओ थोड़ा सा, बहुत प्यास लगी है भाई, क्या करेंगे, बर्फ़ में मज़ा होता है। हो गया आप शायद पहुँचने वाले हैं, हम पहुँचने वाले हैं। हाँ हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे पहुँचने वाले हैं। चलो बस अब बर्फ़ पार कर लेंगे तो पहुँच गए, हम बोल रहे पहुँच गए, पर जो हमारे से आगे वो तो अब उन्हीं को पता है, और टॉप पे पता चल जाएगा जब ये पार कर लेंगे तब पता चल जाएगा। नीचे का व्यू भी देखो, नीचे का सीन देखो। सॉरी अगर बात में कोई गलती हो रही है बोलने में तो उसे माफ़ करना, क्योंकि यार बहुत ना थक गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है अब। चलो इतना भी काफ़ी है तुम्हारे लिए, इतना भी काफ़ी है, जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं आपको दिखाता हूँ, और जितना मुझे भी पता है उतना मैं आपको भी उतना मैं आप सबसे भी शेयर करता हूँ। बर्फ़ पे चलना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्लिप होने का बहुत खतरा होता है। अगर यहाँ से बंदे को स्लिप हो जाएगी नीचे तक कहाँ रुकेगा, पूरा ज़ख्मी हो जाएगा, मर जाएगा। फिलहाल तो मैं बर्फ़ खा रहा हूँ यार। ओह चलो यार ये देखो, मैंने सोचा था हम पहुंच गए, क्योंकि अभी मैं आपको बोल रहा था ये पहाड़ पार करके हम पहुंच जाएंगे, वो हमने पार कर लिया है। देखो यहाँ से अब नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और काफ़ी बर्फ़ भी है यहाँ पे, पर अभी ना वो वाला भी पार करना है, वो जो आगे नज़र आ रहे हैं ना जहाँ पे बर्फ़ है और उसके पीछे काफ़ी बादल है, वो वाला भी पार करना है तब पहुँचेंगे। मैं तो यार फंस गया बुरी हालत में, और फिलहाल अब सीन भी देखो। चलो क्या करें यार, अब तो आए, अब तो वापस भी नहीं मुड़ सकते ना, अब तो इतना बर्दाश्त किया, अब थोड़ा सा और चले गए और पहुँचेंगे आराम से वहाँ पे। ये देखो भाई फिर भी बहुत दूर है, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए। यहाँ का हमें प्लान था तो यही रहा, वाटसर लेक। तो ये देखो भाई क्या है वाटसर, फाइनली हम पहुंच गए। इतना मतलब बर्दाश्त करके तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये देखो यहाँ ही प्लान था, यहाँ ही आने का मूड था। हाँ आप नीचे ही जाएंगे ना, फिलहाल आप यहाँ से इसका व्यू देखो कैसा है। तो यही पानी नीचे जा रहा है, ये देखो बिल्कुल पहाड़ी है साइडों में, और मस्त व्यू है, मस्त नज़ारा है। पर मेरी हालत ना बहुत बुरी हो गई अल्लाह की कसम, अब मैं सोच रहा हूँ अब वापस कैसे जाएगी। पर मतलब ये मैंने आज तय कर लिया कि कभी इंसान हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ से निकले मैंने सोचा मैं नहीं पहुँचूँगा वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफली पहुँच गए, अच्छे से पहुँच गए सारे भाई। तो अब वहाँ पे जाएगी, वो नीचे बैठे आपको भी दिखाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा फ़ोटोज़ शूट कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे वापस, क्योंकि वापस भी तो इतना दूर जाना है। ऊपर से कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा सा चावल खाया था 1 बजे, तो मतलब भूख भी काफ़ी लगी। हम बस यही सोच रहे कि जल्दी से जल्दी वापस पहुंच जाए यार, बस यही उम्मीद है, यही कोशिश रहेगी अब। तो अभी हम यहीं पे रुके क्योंकि सारे भाई फोटोज उठा रहे हैं, फोटोज हो जाए तो फिर उसके बाद निकलेंगे। तो अब मैं सब भाइयों से थोड़ा सा इंटरव्यू ले लूँगा, पूरा टीम यहाँ पे बैठा है, क्योंकि आप यही सोच रहे वापस जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि यहाँ पे बारिश गिरने का बहुत खतरा होता है, और आप खुद भी देखो कितना बर्फ़ यहाँ पे है, मतलब नीचे कहीं बर्फ़ नहीं है, यहाँ पे अभी भी बर्फ़ जम। सारे भाई देखो अभी यहाँ पे बैठे हैं,
तो कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो अब बस यही प्लान कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से वापस निकलेंगे। तो अब बस उम्मीद यही रहेगी आप सब लोगों ने इस वीडियो का एंजॉय किया होगा अच्छे से। तो आप भी यहाँ पे आओ, विज़िट करो और देखो कितना मज़ा है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी जगह है। इंशाल्लाह उम्मीद यही रहेगी आप ये वीडियो देख के अगर कोई आना चाहता है वो आराम से यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर इस नेचर का एंजॉय कर सकता है। तो अब बस निकले यहाँ से घर, करते हैं वापस यहाँ से सफ़र स्टार्ट, क्योंकि वापस काफ़ी दूर भी जाना है ना। हम सोच रहे हैं कहीं शाम ना हो जाए यहीं पे, फिर मुश्किल हो जाएगा। ऐसा यहाँ से भी देखो, लेक देखो, ज़्यादा बड़ा भी तो नहीं है पर जिस हिसाब से इसका नाम है वाटसर, मैंने सोचा पता नहीं क्या कौन सी जगह होगी। चलो अब बस निकलते वापस यहाँ से, जाते समय हम नहाएंगे, पानी तो बहुत ठंडा है, हम कहाँ नहा सकते हैं यहाँ पे। हाँ चलो फिर भी ट्राई करेंगे नहाने के लिए, ट्राई करेंगे। तो फिर निकलते वापस क्योंकि लेट भी काफी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, पहुँचना है। चलो लगेंगे 2 घंटे 3 घंटे, बाय करते अब जल्दी से जल्दी पहुँचते अपने मुकाम पे, क्योंकि वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, बहुत भूख लगी। दो बंदे अभी पीछे है, बाकी जो भाई है तार सर मार सर, हाँ इंशाल्लाह ईद के बाद अगर मुझे टाइम मिला तो फिर तार सर मार सर जाएंगे। तो अभी इसको बाय करते, फिर अभी आप एक बार गौर से देखो कैसा सीन है यहाँ पे। ये देखो भाई, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे यार, क्योंकि मैंने उम्मीद ही नहीं रखी थी मैं यहाँ पहुँचूँगा। तो अब बस ज़्यादा ना लेते क्लिप्स, अब डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचते, वहीं पे मिलते हैं आपके से वापस अपने डोके की तरफ। तो मतलब यहाँ से उतरने में ना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना वहाँ से चढ़ने में होता था। तो अब अगर वहाँ से 4-5 घंटे लगे, यहाँ से मानो यही 1-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अपने डोके पे पहुंच गए जहाँ पे अपना घर है। ये देखो, वो देखो कहाँ से आए। कल जब मैं यहाँ से आपको बोल रहा था हमें वहाँ पे जाना है, तो मतलब आज जब हम गए ना इस पहाड़ के भी पीछे गए, जो कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, पर हालत ना बहुत बुरी हो गई। तो अब रात को इंशाल्लाह यहीं पे, अब रात को यहीं पे रेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह सुबह के टाइम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। क्या यहाँ बैठ के करेंगे, हम तो यहीं पर आए थे, तब इंशाल्लाह सुबह के टाइम यहाँ से घर निकलेंगे। अब 1-2 दिन भी हो गए, ऊपर से गाड़ी भी आ रही होगी, वो भी घर पहुँची होगी शायद अभी, क्योंकि कंटेंट अभी कुछ पता नहीं है, अभी कांटेक्ट नहीं हुआ सजाद भाई से, मुझे लग रहा है वो घर पहुंची होगी। तो फिर वापस अपने काम पे भी निकलेंगे। तो ये देखो जूता कहाँ पे हाथ में यार, क्योंकि हालत ना बुरी हो गई सच में। तो अब उम्मीद यही रही कि आप ढेर सारा प्यार दोगे इन सब वीडियोज़ को, क्योंकि इतनी मेहनत लगी। तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू यूट्यूब फैमिली।